विश्व में भारत की दवाइयों का निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार विशेष प्रयास कर रही है। इसके लिए शेड्यूल एम लाया गया है। इस शेड्यूल के तहत फार्मा इंडस्ट्रीज को अपने उत्पादों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए कई बदलाव करने होंगे। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया फार्मा इंडस्ट्रीज से क्या उम्मीदें रखता है, इसकी जानकारी देने के लिए शनिवार को ड्रग कंट्रोलर इंदौर पहुंचे थे। इन्होंने प्रदेश के फार्मा इंडस्ट्रीज के बीच भारत सरकार की प्राथमिकताओं को बताया। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया डॉक्टर राजीव रघुवंशी ने प्रदेश के फार्मा इंडस्ट्रीज के बीच अपनी बात रखते हुए कहा कि निर्यात के वर्तमान आंकड़े उत्साहजनक नहीं है, इसे बढ़ाने के लिए हमें अपनी क्वालिटी में सुधार की आवश्यकता है। जो इंडिया है ये फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जाना जाता है और करीब 25 बिलियन डॉलर का हर साल एक्सपोर्ट होता है और सेंट्रल इंडिया में इंदौर जो है वो फार्मेसी का हब है। यहाँ पर इंदौर और पीथमपुर में मिला के काफ़ी सारी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, इसलिए हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर। और जो गवर्नमेंट की जो रूपरेखा है कि 2030 तक हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 50 बिलियन डॉलर हो जाए और 2050 तक 130 बिलियन डॉलर हो जाए। मैसेज मेरा शुरू से यही रहा है कि फार्मास्यूटिकल बिजनेस और नॉन फार्मास्यूटिकल बिजनेस में बेसिकली बहुत अंतर होता है, इसलिए फार्मास्यूटिकल बिजनेस के कोर में क्वालिटी होती है, बाकी प्रॉफिटेबिलिटी और सारी चीज़ें सब परिफेरी में होता है, कोर क्वालिटी है। अगर क्वालिटी को लेके अगर आप अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे बिजनेस का तो आप सक्सेसफुल होइएगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। यही मैसेज रहेगा मेरा आज।